हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे हैं, मज़े में हैं एंड वेरी मच एक्साइटेड फॉर टुडे एक्सरसाइज। पर अपनी न्यू एक्सरसाइज में जाने से पहले हम हमारा होमवर्क जो है वो क्रॉस चेक कर लीजिए। तो देखते रहिए और ध्यान दीजिए। हाँ, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस 5x - 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे जो है मैक्सिमम इंडेक्स अगेन 2 है, 1 वेरिएबल है, तो ये येस होगा। येस, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो सेकंड है आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। अभी मैं आपको यहाँ पे आंसर्स दे रही हूँ। इफ़ आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट आता है, आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पे पूछ सकते हैं। सो यस यस, क्रॉस चेक कर लीजिए। देखिए आपको अब तक कंसेप्ट कितना क्लियर हुआ है। ये भी यस आएगा। नो, अभी यहाँ पे तो ये इजी है, नो बताना। आपको जो 9th और 10th है वो सॉल्व करना है और येस नो लिखना है। पर जो 11th है वहाँ पे आपको क्यूब, मतलब मैक्सिमम इंडेक्स 3 है, जिसकी वजह से वो वहीं नो हो जाता है। इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। येस, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तो बहुत सिंपल है। 12th इज सो सिंपल। ओके, 13 में देखो, जो एक्स स्क्वायर है उस साइड जाएगा तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो वहाँ पे भी हमारा नो आ जाएगा। नो, इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए फास्ट, ताकि अभी हम न्यू एक्सरसाइज में भी जाएं। और जो कल हमने किया था उसके कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन हमारे छूट गए हैं, आज हम वो कंप्लीट करेंगे। पर उसके पहले ये सब कंसेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए, देन वी विल गो फॉर फर्दर। तो ये क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, राइट इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसके कुछ क्वेश्चन हम कल ले चुके हैं, उसे ही पहले कंटिन्यू करेंगे और ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे देखो अगेन क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया है a - b होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो फॉर्मूलाज मैंने बहुत बार कह चुके हैं मैथ्स में, फॉर्मूलाज जो है आपको एकदम टिप्स में याद चाहिए, तभी जाके आप ये सब सॉल्व कर सकेंगे। 10th में गए हो तो फॉर्मूलाज तो याद चाहिए। सो a - b होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² - 2ab प्लस b². अब ये फॉर्मूला बस आपको यहाँ पे क्या करना है, लिखना है फॉर्मूला। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, x² - 2x, 1 का स्क्वायर 1 होता है और प्लस 1, और यहाँ पे जैसा था वैसा का वैसा नोट डाउन कर दो, इज इक्वल्स टू 2x + 3। हाँ, अभी अकॉर्डिंग टू हमारा जो जनरल फॉर्म है, हमें वो जनरल फॉर्म पहले लिख लेना चाहिए हमेशा, और उस हिसाब से जो चेंजेस है वो करनी है। ये चेंजेस मैंने कल भी सिखाया था, एक और बार मैं रिपीट कर रही हूँ। एकदम प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए, जब हम मैक्स करते हैं ना तो उसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम कहीं पे भी गलती ना करें। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे, अकॉर्डिंग जो जनरल इक्वेशन है उसे देखो, मैंने रेक्टेंगल में डाल दिया है। वहाँ पे क्या है, राइट हैंड साइड में हमारा 0 है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमारे इक्वेशन में जो भी राइट साइड में उसे हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देंगे। पर जब भी हम इक्वल के लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हैं तो उसकी जो साइन होती है वो इंटरचेंज हो जाती है। तो यहाँ पे था हमारा +2x, तो +2x जब वहाँ जाएगा अगेन वो क्या हो जाएगा, -2x। यहाँ पे हमारा +3 है वो वहाँ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -3। ये 1 है यहाँ पे और हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल्स टू 0। देखो मैंने क्या किया, सिर्फ शिफ्ट किया, साइन इंटरचेंज कर ली, और अभी यहाँ पे जो कैलकुलेशन है, स्मॉल कैलकुलेशन है, x² वैसे ही रहेगा, -2x यहाँ का और यहाँ का -2x, इट विल बिकम -, -, प्लस होता है, बड़ा नंबर दोनों सेम है तो उसका साइन माइनस ही रहेगा, -4x। अभी यहाँ पे क्या बचा, +1 बचा है यहाँ पे और यहाँ पे बचा है -3। प्लस माइनस माइनस होता है, बड़े नंबर की साइन आती है, बड़ा नंबर 3 है, 3 की साइन माइनस में, तो आंसर आ जाएगा -2। ये हम आ गए कि काफी इतना नहीं लेते हैं। सो ये जो है x² - 4x - 2 = 0, ये हमारा जनरल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अभी हमें इसमें से a b c की वैल्यूज लिखनी है, पर माइनस और प्लस को ध्यान रखते हुए।
सो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, आप कंपेयर करिए, ए की वैल्यू स्टार्टिंग की होती है, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे ए है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, वन है, प्लस वन है, बी की वैल्यू होगी माइनस फोर, देखो एक्स के आगे जो है वो बी की वैल्यू होती है, तो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, माइनस फोर है, और सी की वैल्यू, सी जो है वो कांस्टेंट है, वो ये है हमारा माइनस टू। तो यहाँ पे हमने जैसे ए बी सी भी निकाल लिया, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, ध्यान दीजिए एकदम। हाँ, थ्री एम स्क्वायर इज इक्वल टू टू एम स्क्वायर माइनस नाइन, थ्री एम स्क्वायर, अभी ये यहाँ पे प्लस टू एम स्क्वायर है, ये भी क्या होगा, उस साइड शिफ्ट होगा, अभी अभी बताया ना हमने आपको कि वहाँ पे राइट साइड में आपको जीरो चाहिए, सो यू हैव टू शिफ्ट ऑल टर्म्स टू द लेफ्ट हैंड साइड, माइनस टू एम स्क्वायर, सेम लाइक वाइज माइनस नाइन जब उधर जाएगा वो हो जाएगा प्लस नाइन इज इक्वल्स टू जीरो। अभी आपको कैलकुलेशन करना है, ये देखो ये यहाँ पे भी थ्री एम स्क्वायर है और यहाँ पे माइनस टू एम स्क्वायर, तो एम स्क्वायर तो रहेगा, देखो यहाँ पे मैं बता रही हूँ बाजू में, थ्री एम स्क्वायर टू एम स्क्वायर, थ्री एम स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, यहाँ पे माइनस गिवन है, प्लस माइनस माइनस होगा, बड़े नंबर की साइन आएगी, और एम स्क्वायर भी वैसे लिखना है, हम क्या करते हैं सॉल्व तो कर लेते हैं पर एम स्क्वायर नहीं लिखते, तो वो वहाँ पे गलती हो जाती है, तो प्लस वन एम स्क्वायर प्लस नाइन इज इक्वल्स टू जीरो। अभी इसको हमें जनरल टर्म में लिखना है, पर जनरल टर्म में लिखने के लिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए, बीच का टर्म चाहिए जो कि यहाँ पे प्रेजेंट नहीं। अब देखो वो हम किस तरह से लाते हैं, मैंने जब रूल्स बताए थे तो तीन रूल्स बताए थे इसके, और वो क्या था कि मैक्सिमम इंडेक्स टू चाहिए फर्स्ट, सेकेंड क्या था कि जो ए की वैल्यू है स्टार्टिंग जो एम स्क्वायर के आगे कोएफिशिएंट होता है वो जीरो नहीं होना चाहिए, और थर्ड ए की वेरिएबल चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, जो बीच का टर्म है ना उसका जीरो है, उसका कोएफिशिएंट जीरो, तो वो चल सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वन एम स्क्वायर प्लस जीरो एम प्लस जीरो एम, जो बीच का टर्म नहीं है ना वो आपको फिर जीरो में लिखना है, या कोई भी टर्म नहीं हो बीच का या लास्ट का कॉन्स्टेंट टर्म, बट एम स्क्वायर हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं होगा। हो गया यहाँ पे, अभी हमने सो चेंज कर दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में, अभी हमें सिर्फ ए और बी और सी की वैल्यूज यहाँ पे निकालनी, तो ए की वैल्यू हो जाएगी वन, बी की वैल्यू है यहाँ पे जीरो, प्लस जीरो प्लस नहीं लिखा चल जाता है पर माइनस हमेशा लिखना चाहिए, सी की वैल्यू हो गई प्लस नाइन, यहाँ पे भी ये सम कम्प्लीट। अभी लास्ट सम देखना है क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन इज इक्वल्स टू थर्टीन, हम वापस राइट साइड को जीरो लेंगे, सेम स्टेप्स, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन, थर्टीन प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, अभी ये हो गया एक्स स्क्वायर, हाँ माइनस नाइन माइनस थर्टीन, माइनस माइनस प्लस होता है, बड़े नंबर की साइन देंगे, तो बड़ा नंबर हमारा थर्टीन है उसकी साइन दे दी, नाइन प्लस थर्टीन क्योंकि यहाँ पे भी माइनस है यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा ट्वेंटी टू। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस जो बीच का टर्म नहीं है वहाँ पे आ जाएगा जीरो एक्स, माइनस ट्वेंटी नाइन सॉरी माइनस ट्वेंटी टू एज इट इज इक्वल्स टू जीरो। लास्ट अभी आपको क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू वन आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी जीरो, और सी की वैल्यू है यहाँ पे माइनस ट्वेंटी टू। तो इस तरह से हमने जो थर्ड क्वेश्चन है कंप्लीट कर लिए, नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर फोर। डिटरमाइन वेदर द वैल्यू गिवन अगेंस्ट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अभी यहाँ पे क्या गिवन है, क्या ये रूट्स है कि नहीं, तो क्या जो आपको वैल्यूज दी है वो उसका सही आंसर है या नहीं है, मतलब आपको वैल्यूज गिवन है, एक्स की प्लस वन माइनस वन गिवन है, आपको चेक करना है क्या ये वैल्यू उस कंडीशन उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है। तो इसके लिए देखो ये भी ईजी सम्स है, हम क्या करते हैं वो देखना, हाँ ठीक है, हम लेफ्ट हैंड एक्स की दो वैल्यू है ना हमारे पास, प्लस वन है माइनस वन है, तो हम यहाँ पे एक्स इज इक्वल्स टू प्लस वन करके सॉल्व करेंगे, और उस साइड हम एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन रख कर सॉल्व करेंगे, मतलब हम दोनों चेक करेंगे क्या सही है क्या गलत है यहाँ। तो
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे, पर पूरा इक्वेशन सेम नहीं लिखना, हमें चेक करना है। तो चेक करना है, हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे और देखेंगे क्या वो राइट हैंड साइड के, मतलब जीरो के बराबर है या नहीं है। अगर वो जीरो आ जाता है तो सेटिस्फाइड, नहीं आता है तो नॉट सेटिस्फाइड। देखो अभी यहाँ पे मैं लिख रही हूँ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू, मतलब आपको लेफ्ट हैंड साइड मतलब सिर्फ इक्वेशन लिखनी है, इज इक्वल्स टू जीरो नहीं लिखना है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। यहाँ पे भी आपको सेम लेफ्ट हैंड साइड लिख लीजिए, मैं दोनों एक साथ सॉल्व कर रही हूँ, वहाँ पे आपको अलग अलग करना पड़ेगा एग्जाम में, मतलब ऊपर नीचे लिखना पड़ेगा। हमने इक्वेशन लिख ली है, अभी हमारे पास x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, तो हम x की वैल्यू 1 यहाँ पे पुट डाउन करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं होता है, मतलब डॉट होता है और डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, हाँ, तो 1 का स्क्वायर हो गया 1 प्लस 4 माइनस 5, सो ये हो गया 1 प्लस 4 5 माइनस 5, सो 5 में से 5 आ गया 0, और 0 ही हमारा क्या था, यहाँ पे राइट हैंड साइड था, तो इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब हम यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं इसी को ही, अभी x की वैल्यू आपको गिवन है -1, तो यहाँ पे आप डालो -1, अभी आपको होल ब्रैकेट स्क्वायर लिखना पड़ेगा माइनस की वजह से, 4, यहाँ पे भी x की वैल्यू आप -1 लिखिए, -5, -1 का स्क्वायर +1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, यहाँ पे प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, देखो प्लस ये और माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 4 1 4 और माइनस का साइन -5। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1 माइनस 4 क्या आएगा, -3 -5, माइनस माइनस प्लस होता है, बड़े नंबर की साइन आती है, ये आ जाएगा -8, एंड इट इज़ नॉट इक्वल्स टू राइट साइड, हमारा राइट साइड जीरो गिवन है। आप इक्वेशन में देखिए, क्वेश्चन देखो, यहाँ पे हमारा राइट साइड यहाँ पे क्या गिवन है, जीरो गिवन है ये, और हमारा यहाँ पे जीरो आया, यहाँ पे नहीं आया, तो इट इज़ यहाँ पे लिखोगे, वहाँ पे इक्वल्स टू आर एच एस, यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू आर एच एस। इसको हम थोड़ा नीचे कर लेते हैं ताकि हम वहाँ पे लिखें थोड़ा, तो यहाँ पे लिखोगे एक्स इज इक्वल्स टू 1, एक्स इज इक्वल्स टू 1 इज सेटिस्फाइड हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिखोगे, एक्स इज इक्वल्स टू -1 इज नॉट सेटिस्फाइड। तो यहाँ पे पूछा था इन दोनों में से कौन सा रूट है, तो x इज इक्वल्स टू 1 रूट है, x इज इक्वल्स टू -1 इज नॉट द रूट, तो ये आपको वर्बल में आंसर भी देना है वहाँ पे, सो x इज सो इट x इज इक्वल्स टू 1 लिखो, x इज इक्वल्स टू 1 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन हो गए यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिखोगे, x इज इक्वल्स टू -1 इज नॉट, मतलब ये उसका आंसर नहीं है, इज नॉट द रूट ऑफ इक्वेशन, ठीक है, बस इतना ही लिखना है, सिंपल था। सेकंड क्वेश्चन भी सेम है, सिर्फ आपको जो वैल्यूज होगी अंदर की वो अलग अलग या डिफिकल्ट दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे 1 -1 ये बहुत सिंपल था, पर इसकी जगह पे अपॉन में या रैशनल नंबर्स दे देंगे आपको, तो वही एक सम है हमारे पास, देखिए 2m² - 5m = 0, और m की दो वैल्यू गिवन है, कॉमा करके दो वैल्यू है, हम एक एक करके दोनों सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं m = 2, और यहाँ पे हम लिख लेंगे, मतलब हम दो एक ही साथ सॉल्व करेंगे, m = 5/2, हमें यहाँ पे भी स्पेस ज़्यादा लगेगी। अभी जो इक्वेशन है, हम इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे और चेक करेंगे क्या वो राइट हैंड साइड के इक्वल या सेटिस्फाइड हो रही है या नहीं हो रही, तो ये हमने लिख लिया हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो कि है 2m² -5m, यहाँ पे इक्वल डाला ना ज़्यादा अच्छा रहेगा,
यहाँ पे ना इसकी जगह पे इक्वल लिखा करो। तो टू, m की वैल्यू कितनी है यहाँ पे हमारे पास, टू है, होल ब्रैकेट स्क्वायर माइनस फाइव, m की वैल्यू यहाँ पे भी टू है, और यहाँ पे भी हम सॉल्व करते जाते हैं इस साइड भी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू 2m स्क्वायर माइनस 5m, यहाँ पे जो m की वैल्यू है वो अपॉन में है, वो है 5 बाय 2 होल ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 5, m की वैल्यू है 5 बाय 2, ये हमने पुट कर लिया। अब यहाँ पे क्या गलती होगी वो मैं बताती हूँ। यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स गलती करके जाते हैं वो यहाँ पे 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई करते हैं, स्क्वायर को देखते ही नहीं। देखो यहाँ पे मैं बताती हूँ आपकी मिस्टेक क्या होती है, मतलब वो करना मत वैसी। तो 2 2 सा आप यहाँ पे 4 लिख लोगे और फिर उसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा यहाँ पे 16, और ये गलत है, ये जो है ऐसा करना गलत है। तो सही क्या है वो देखो, अभी 2 है, ऊपर क्या गिवन है 2 का स्क्वायर, तो पहले जो स्क्वायर की टर्म होती है हम हमेशा पहले उस स्क्वायर की टर्म को सॉल्व करते हैं। तो स्क्वायर की टर्म क्या है, 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई बाय क्या है 2, तो 2 4 सा क्या होता है 8। तो देखो आंसर्स में कैसे डिफरेंस आ गया, अगर आप पहले मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करते हो तो वो गलत मेथड है। तो हमें क्या करना है, अगर स्क्वायर है ऊपर या ऊपर क्यूब गिवन है तो जो भी पावर होगी पहले हमें उस टर्म को सॉल्व करना है, मतलब 2 स्क्वायर को सॉल्व कर दो और फिर जो आगे है या पीछे है उसे मल्टीप्लाई करना है। तो वही अभी हम यहाँ पे करते हैं, 2 वैसे ही लिखेंगे, 2 का स्क्वायर हो गया 4 इंटू 4, डॉट डाल दो या इंटू लिख लो दोनों चलेगा। 5 2 10, 2 4 8 माइनस 10, तो 8 माइनस 10 होगा हमारा आंसर -2, सो ऑल्सो इट इज़ नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि हमारा जो राइट साइड है यहाँ पे हमारा राइट साइड क्या था 0 है। देखो यहाँ पे हमारा राइट साइड यहाँ पे 0 है, तो इट इज़ नॉट सेटिस्फाइड क्योंकि वहाँ पे 0 आंसर हमारा नहीं आया, तो लिखो नॉट सेटिस्फाइड। सो नॉट सेटिस्फाइड की वजह से क्या हुआ, इट इज़ नॉट द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी इसको हम चेक करते हैं, 2, 5 का स्क्वायर 25, और नीचे 2 है उसका भी स्क्वायर करना है क्योंकि होल ब्रैकेट स्क्वायर गिवन है, तो 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 5 5 25 डिवाइड बाय 2, यहाँ पे देखो कैंसिलेशन हो रहा है, 2 1 2 2 विच इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू 25 बाई 2 माइनस 25 बाई 2, तो ये दोनों कट हो गए आपस में, कट होने के बाद इसका आंसर क्या आएगा, इज इक्वल्स टू 0 आएगा। तो ये जो है हमारे RHS के बराबर आ गया, तो ये क्या हो गया, ये सेटिस्फाइड हो गया, एंड इट इज मतलब m इक्वल्स टू 5 बाई 2 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप वहाँ पे ऐसे वर्बली लिखेंगे, यहाँ पे लिखो सिर्फ नॉट सेटिस्फाइड, ओके। अभी जो है हम ये लास्ट सम है, फाइंड के इफ x इज इक्वल टू 3 इज द रूट, मतलब x इज इक्वल टू 3, ये रूट है मतलब ये उसका आंसर सही है, x के जगह पे आपको 3 पुट करना है और k की वैल्यू निकालनी है, एकदम सिंपल है ये क्वेश्चन। फाइंड के x इज इक्वल टू 3, तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। अभी यहाँ पे LHS RHS मत करना, क्योंकि यहाँ पे पूछा नहीं है कि वो रूट है या नहीं है, गिवन है आपको कि वह रूट है ही, आपको सिर्फ k की वैल्यू फाइंड करनी है। सो के एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू जहां जहां पे एक्स की वैल्यू आप 3 पुट करें, 3 स्क्वायर माइनस 10, यहां पे भी एक्स की वैल्यू 3 पुट डाउन करिए, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अभी 3 का स्क्वायर आ जाएगा हमारा 9, तो ये हो जाएगा 9k माइनस 10 3 30 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अभी यहाँ पे क्या है, माइनस 30 प्लस 3, तो वापस वही बेसिक्स, माइनस प्लस माइनस होता है, बड़े नंबर का साइन आएगा, सो 9k माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0। सो 9 के हम यहीं रखेंगे, माइनस 27 का वहाँ शिफ्ट करेंगे क्योंकि हमें k की वैल्यू चाहिए, जिसकी वैल्यू चाहिए हम उसको एकदम अकेला करके
आंसर निकालते हैं। तो ये माइनस 27 उस साइड जाएगा इक्वल के, तो हो जाएगा ये उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस 27। और अभी के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 27 डिवाइड बाय 9, तो ये हो गया हमारा 3। सो हमें मिल गई के की वैल्यू, सिर्फ पुट डाउन करनी थी, इजी था। तो के की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 3 मिल गई। अब जो बच्चों टॉपिक है वो है फैक्टराइजेशन। इससे ना एक सम डेफिनेटली पूछा जाएगा, और इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ पे बच्चों की सबसे ज़्यादा गलती होती है। इसके बहुत अलग अलग मेथड्स है, फैक्टराइजेशन के मेथड्स होते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड को हम फैक्टर मेथड भी कहते हैं, और एक होता है फॉर्मूला मेथड। पर अभी जो मेथड हमें गिवन है, सबसे पहले जो सिंपल मेथड है हमें, हम वो सॉल्व करेंगे, उसके बाद उस पर जाएंगे। पर आपको अगर एग्जाम में आ गया सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड, तो अभी जो मैं मेथड करा रही हूँ वो करना है। अलग अलग मेथड्स का नाम गिवन होगा तो आपको वही मेथड अप्लाई करनी है। और इफ़ आपको सिर्फ निकाला है फाइंड आंसर्स, तो आपको यही कोई भी मेथड आप फिर वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सो अभी पहले जो ये एकदम सिंपल क्वेश्चंस लिए मैंने, ये चार अगर आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गए, तो इससे फैक्टराइजेशन से आपको कोई भी क्वेश्चन है आपको ईजिली समझ जाएगा। तो इस चार पे एकदम अच्छे से ध्यान दीजिए, कि ये चार अगर मतलब फैक्टराइजेशन की पूरी एक्सरसाइज आ गई, ऐसा ही समझो। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो मैं एक एक करके चारों क्वेश्चन ले रही हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आपको करना क्या है, सुनना भी ध्यान से, आगे एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो 1 है और प्लस 1 है, तो जो भी टर्म मिसिंग है ना वहाँ पे, या हेडिंग है, मिसिंग नहीं कह सकते, हेडिंग है, उसे आप वहाँ पे लिख लीजिए पहले, मतलब आपकी गलतियाँ ना हो इसलिए। वेल तो ये अंडरस्टूड है, यहाँ पे अभी पेन चेंज कर लेते हम। तो यहाँ पे क्या आ गई है, प्लस 1, और ये जो पीछे का टर्म है, ये जो पीछे का टर्म है उस पर ध्यान देना है, मतलब जो आगे का टर्म और डायरेक्ट जो पीछे का टर्म, कॉन्स्टेंट और एक्स स्क्वायर के जो कोएफिशिएंट्स है उसको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 1 इंटू प्लस 10, तो हम यहाँ लिखेंगे जो भी सिर्फ पीछे कोएफिशिएंट्स है ना, प्लस 1 इंटू प्लस 10। अब ये तो ईजी है, पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे उसमें देखना क्या क्या हो जाता है। तो 10 वन 10, और साइन किसकी आएगी, यहाँ पे प्लस की ही साइन आएगी। अब इसके हमें क्या बनाने होते हैं, फैक्टर्स बनाने होते हैं। तो 10 के जो जो फैक्टर्स आपको पता है वो लिख लीजिए, 10 वन 10 होता है, 2 फाइव 10 होता है। अभी हमें नहीं पता कौन सा लगेगा, हमें वो हिट एंड ट्रायल मेथड से चेक करना है कि इन दोनों में से कौन से फैक्टर्स सही होंगे। अभी यहाँ पे क्या है, आपको जो इम्पोर्टेंट है वो ये साइन है, यहाँ पे ये साइन एकदम इम्पोर्टेंट है, और वो कहाँ से है, ये आगे से और यहाँ के आगे से है ये। तो ये प्लस है, प्लस है मतलब जो आपको यहाँ पे नीचे फैक्टर्स मैंने निकाले उनको ऐड करने के बाद जो आंसर है वो मिडल आंसर आना चाहिए। जो वापस कह रही हूँ मैं, वापस सुनो, इन दोनों को ऐड करने के बाद मिडल आंसर आना चाहिए। तो अभी यहाँ पे एडिशन की साइन है ना, तो 10 प्लस 1, देखो ऐड करके 7 आएगा, नहीं आएगा, पर 2 प्लस 5 ऐड करके 7 आएगा, आ गया 7। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको करेक्ट करेंगे और इसको कैंसिल करेंगे, क्योंकि अभी हम कौन सा फैक्टर लेने वाले, 2 और 5, ये फैक्टर्स हम लेने वाले। तो समझा मैंने कैसे है, प्लस करना है मतलब जो फैक्टर्स हैं उनको ऐड करने के बाद आंसर कौन सा आना चाहिए, ये बीच वाला आंसर आना चाहिए। तो देखो 2 प्लस 5 ऐड करने के बाद 7 आएगा। अब आता है साइन, अब क्या आएगा आपका साइन। तो यहाँ पे देखो पूरे इसमें आगे प्लस है, बीच में प्लस है, आखिरी में प्लस है, तो दोनों को यहाँ पे प्लस साइन ही देनी है। कब साइन चेंज होगा ये मैं बताते जाऊँगी, आखिरी में एक ट्रिक दूंगी कि आप कैसे याद रखो इन साइन को। तो ये आगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x और यहाँ पे पीछे क्या है, प्लस 10। देखो यहाँ पे ना जिधर 7 था, ये जिधर ये 7 था उसके जगह पे मैंने अभी जो आंसर्स निकाले, मतलब अभी जो मैंने फैक्टर्स निकाले वो लिखने हैं, बाकी आगे का और पीछे का पूरा सेम रखना है हमें। अभी क्या हुआ, ये एक्स स्क्वायर, अभी ये देखो इतना हमने लिख लिया, इसके बाद इसमें से क्या कॉमन है, तो इधर भी x है इधर भी x है, तो x कॉमन हो गया और क्या बचा, x प्लस 2। यहाँ से क्या कॉमन है, 5 कॉमन है ओनली, 5 1 5 2 10, तो 5 बाहर निकाल लिया, x प्लस 2। ये मैं एक यहाँ पे एक मेथड बताती हूँ, सो कैसे निकालना है, मतलब आपके लिए इजी हो जाएगा ये निकालना। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर
प्लस टू एक्स प्लस फाइव एक्स प्लस टेन, इस तरह से आपको गिवन था इज इक्वल्स टू जीरो। तो अगर आपको ये फैक्टर्स, मतलब जो अभी मैंने थर्ड स्टेप निकाली उसमें तकलीफ हो रही है निकालने में, तो देखो हम किस तरह से उसको सॉल्व करते हैं। बाद बाद में ना इसको एकदम फास्ट करने की प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको इतना एग्जाम में टाइम नहीं कि आप एकदम अंदर जाके लिखो फिर करो, ये डायरेक्ट आ जाना चाहिए। ये देखो एक्स स्क्वायर है ना, मतलब एक्स कितनी बार होगा, दो बार लिख लिया। यहाँ पे क्या है, टू एक्स है, उसको वैसे लिख लो, टू इंटू एक्स है, ठीक है। यहाँ पे फाइव एक्स है, अभी टेन, टेन के फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स तो निकालने आते हैं ना, देखो ऐसे फैक्टर्स निकलते हैं, टेन टू फाइव ज़ा टेन, फाइव वन ज़ा फाइव, तो ये जो टू और फाइव ये किसके फैक्टर्स है, टेन के फैक्टर्स है, तो हम यहाँ लिखते हैं टू डॉट लिखती हूँ मैं, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे 2.5 मत समझना, 2.5 मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अभी हमें इन दोनों आगे दोनों में से निकालना होता है, इनका इन दोनों में से निकालना होता है। अभी आप देखो इसको हम कैसे निकाल रहे हैं, यहाँ का x और यहाँ का x हो गया कॉमन, उसको लिख लो बाहर, x और x कॉमन आ गया, उसको हमने बाहर लिख लिया। अब क्या बचा अंदर, क्या बचा देखो जल्दी, x प्लस 2 वो बचा है, उससे लिखना है। वहाँ पे भी अभी हम ये देखते हैं कि क्या कॉमन है, तो यहाँ देखो इस साइड 5 है और इस साइड भी, मतलब प्लस के बाद भी, प्लस माइनस के बाद क्या क्या सेम है, 5 है। तो अभी जो कॉमन निकला उसको हम निकाल देंगे 5, वो बाहर। अब अंदर जो बचा है उसे लिख लो, अभी क्या बचा है, x प्लस 2 और इज इक्वल्स टू 0 लिख लेना। तो अभी आपको समझ गया होगा ये कितना ईजी है निकालना, पर ये बाद बाद में एकदम फास्ट आ जाना चाहिए। अभी हम इसको आगे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक बात याद रखना, जो आपके दो ब्रैकेट्स है ना वो एकदम सेम ही आने चाहिए। अगर उस ब्रैकेट में, मतलब कौन से दो ब्रैकेट्स, ये वाले जो ब्रैकेट है ना और ये वाली जो ब्रैकेट है, ये हमेशा क्या आनी चाहिए, डिट्टो सेम, जैसे का वैसा आना चाहिए। अगर प्लस माइनस में नंबर में कहीं पे भी थोड़ा भी आपको ये दिख रहा है, गलत दिख रहा है, तो इसका मतलब आपका सम वहाँ पे गलत हो गया। तो आप इन दोनों को ही देखकर बता सकते हैं कि आप जहाँ जा रहे हो, जिस स्टेप से जा रहे हो, सही है या गलत है। तो यहाँ पे जो सेम है एक्स प्लस टू हम उसको एक बार लिख लेंगे। वेट 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 रुक के, ये तो यहाँ पे हमने लिख लिया एक्स प्लस टू, और जो बचा है अभी क्या बचा है यहाँ पे एक्स प्लस फाइव, उसको अभी हम लिख लेंगे एक्स प्लस। तो देखिए सम है इजी, पर स्टार्टिंग में समझने में थोड़ा टाइम लगता है, फिर बाद बाद में एकदम इजी लगता है, ऐसा लगता है ये तो बहुत आसान था, इतना ही दिमाग लगा रहे थे हम, ठीक है। यह अभी आपको पहला सम समझ गया। अभी इसको देखो आगे क्या करना है, अभी एकदम शॉर्ट स्टेप है, x प्लस टू मतलब जो दोनों निकले इसको इज इक्वल्स टू जीरो कर दोगे, एक ये, और दूसरा कौन सा निकला x प्लस फाइव इज इक्वल्स टू जीरो। तो x की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे माइनस टू, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो गई माइनस फाइव, कंप्लीट हो गया। अभी हम सेकेंड सम में जाएंगे, अभी आप एक एक करके ना क्या क्या डिफरेंस आएगा हर एक में वो देखते जाना। यहाँ पे हमारा फर्स्ट सम कंप्लीट हो गया है, ये हमने कर दिया, मैं यही लिख रही हूँ सेकेंड सम। देखो सेकेंड सम क्या, x स्क्वायर माइनस सेवन एक्स, पहले सब प्लस में था, अभी मिडिल टर्म हमारा माइनस में आ गया है, एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस टेन इज इक्वल्स टू जीरो। देखो अभी हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग तो वैसे ही है कि यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब प्लस वन है, तो अभी यहाँ पे प्लस वन आ गया, तो ये प्लस वन और पीछे का ये जो प्लस टेन है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, तो उसको अभी हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया प्लस वन और प्लस टेन हो गया टेन, और साइन कौन सी है वहाँ पे भी प्लस की है, तो ये हमने कर लिया। अभी इसके बाद इसके हमें वापस क्या निकाले होंगे फैक्टर्स, टेन वन ज़ा टू फाइव ज़ा, अभी कौन से फैक्टर्स अप्लाई हो गए, तो यहाँ पे कौन सी साइन है हमें वो साइन देखनी है, यहाँ पे साइन प्लस की है ना, तो एडिशन करने के बाद आपका मिडल टर्म आना चाहिए। तो देखो वन प्लस टेन प्लस वन मिडल टर्म आता है क्या आपका, नहीं, क्योंकि टेन प्लस वन इलेवन होता है, मिडल टर्म सेवन गिवन है तो नहीं आ रहा है। तो अभी हम क्या जाएंगे टू, तो अभी हम करते हैं यहाँ पे टू और फाइव, तो टू प्लस फाइव कितना होता है हमारा सेवन होता है, टू प्लस फाइव, तो ये वाला एकदम सही है और ये पहला वाला हो गया गलत।
अभी हम उसको पुट करेंगे, पर पुट करने से पहले अभी हमें साइन चाहिए कि हम उधर कौन सी साइन डालें। तो देखो अभी मैं बता रही हूँ, फिर आखिर में बता दूंगी कैसे इसको याद रखना है। माइनस सेवन है ना, तो अभी जो मिडल टर्म होता है उसकी साइन बड़े नंबर को देनी है, तो मिडल टर्म की साइन क्या है? माइनस। कॉल माइनस फाइव प्लस टू, तो मिडल टर्म की जो साइन थी वो हमने बड़े नंबर को दे दी, तो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस टू एक्स प्लस टेन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। हाँ अभी हम यहाँ क्या करेंगे, इस बात को ध्यान रखो कि जब भी आप वो टर्म्स लिखते हो तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, आपका जो एक्स है मतलब यहाँ पे जो भी गिवन होगा वो टर्म्स यहाँ पे आपके अल्फ़ाबेट्स आने चाहिए। अभी हम इसको लेंगे कॉमन, तो यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, एक्स कॉमन आ जाएगा। अभी क्या बचा, एक्स माइनस फाइव बचा है प्लस टू, वेट 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 कुछ गलत हुआ यहाँ पे हमसे। हाँ जब साइन बीच में माइनस की हो तो दोनों यहाँ पे माइनस आएंगे, यहाँ पे आप करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पे दोनों माइनस आएंगे। ये हमने कर लिया करेक्शन यहाँ पे, तो माइनस टू कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा माइनस प्लस, देखो ये माइनस इस प्लस के साथ यहाँ पे हो जाएगा माइनस फाइव इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब क्या आया, एक्स माइनस फाइव सेम आ गया, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एक्स माइनस फाइव। क्या और क्या बचा यहाँ पे, एक्स माइनस टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अभी एक्स माइनस फाइव एक बार ज़ीरो लेंगे, तो एक्स की वैल्यू हो गई प्लस फाइव, और एक बार एक्स माइनस टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो लेंगे, तो x की वैल्यू हो गई प्लस टू। अभी यहाँ पे देखो क्या था इस सब में, अगर मिडल टर्म माइनस में तो जो भी हमारे फैक्टर्स आएंगे दोनों को माइनस दे देना है, बस एक ये इसमें न्यू था, बाकी सब वैसा ही था जैसे हमने लास्ट सम किया था। अब इसके साथ और दो सम्स हैं हमारे पास, अभी हम वो दो सम्स कंप्लीट करते हैं ताकि हमें चारों में जो डिफरेंस है मेन डिफरेंस है वो समझ में आ जाए। सबसे पहले अभी हम वो सम लिख लेंगे, साइन चेंज कर देते हैं। तो अभी नेक्स्ट सम क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो। समझने के लिए पेशेंस चाहिए, ध्यान दो, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो, माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो। अभी यहाँ पे देखना आगे क्या है, प्लस वन है, और यहाँ पे पीछे क्या है, माइनस टेन है, प्लस माइनस माइनस होता है टेन वन ज़ा टेन। देखो यहाँ पे प्लस वन और यहाँ पे क्या है, माइनस टेन, तो प्लस माइनस माइनस टेन वन ज़ा टेन। फैक्टर्स निकालोगे, टू फाइव ज़ा टेन होता है और होता है टेन वन ज़ा टेन। अभी माइनस यहाँ पे कौन सी साइन आई आपकी, यहाँ पे माइनस की साइन आई है, तो माइनस करने के बाद आपका मिडिल टर्म आना चाहिए। तो अभी हम यहाँ पे माइनस करके देखते हैं, फाइव में से टू गया थ्री आ रहा है मतलब ये सही है, और टेन में से वन गया तो नाइन होता है, वो तो हमारा मिडिल टर्म नहीं है, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, फाइव में से टू जाने पर यहाँ पे थ्री आता है। अभी यहाँ पे साइन करा लेंगे, यहाँ पे जो मिडिल साइन होगी वो साइन आएगी बिगेस्ट नंबर पर, और प्लस साइन आ जाएगी फिर छोटे नंबर पर। जो मिडिल साइन है वो बिगर नंबर पर, और उसके अलावा जो नेक्स्ट बचा उसको आप इंटरचेंज साइन कर देना मतलब प्लस कर दो। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फाइव एक्स, मिडिल टर्म नहीं लिखना है हमें इस वक्त हमें ये मिडिल टर्म नहीं लिखना है, उसके अलावा ये मिडिल टर्म के अलावा अभी हमें ये टर्म्स लिखने हैं जो अभी हमने फाइंड किए हैं, माइनस टेन
इज इक्वल्स टू जीरो। अभी इसमें और इसमें कॉमन देखेंगे, इसमें और इसमें, तो इधर से कॉमन क्या हो गया, एक्स हो गया, क्या बचा, एक्स प्लस टू माइनस फाइव। अब देखना, अब जो है ना वो मीन है, ये माइनस यहाँ के माइनस के साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंदर प्लस हो जाएगा। तो पहले तो हम x लिख लेते हैं, x प्लस फाइव कितने ज़ार 10 होता है, तो फाइव टू ज़ा 10 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इसको वापस देखो, जो ये वाला साइन होता है ना, ये वाला यहाँ का, ये वाला साइन और ये वाला साइन दोनों मिलकर यहाँ पे कौन सी साइन हो जाती है, प्लस साइन हो जाती है। अभी जो हो गए सेम, उसको एक साथ लिख दो, एक्स प्लस टू एक बार लिखेंगे और x माइनस फाइव लिख देंगे इज इक्वल्स टू ज़ीरो। एक बार फर्स्ट वाला टर्म ज़ीरो और एक बार सेकंड वाला टर्म ज़ीरो, सो x प्लस टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो, x माइनस फाइव इज इक्वल्स टू ज़ीरो, x की वैल्यू माइनस टू और यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी आपकी प्लस फाइव, क्योंकि हम शिफ्ट कर रहे हैं ना उस साइड। तो यहाँ पे ये जो थर्ड सम है वो भी कंप्लीट हो गया। एक बार फोर्थ देखेंगे और एक बार सब में क्या क्या डिफरेंस है, कैसे साइन याद रखनी है, वो ट्रिक्स वाइज याद कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टेन, वो अभी हम यहाँ लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टेन, अभी यहाँ पे भी सेम स्टेप्स, आगे कुछ नहीं है, मतलब प्लस वन है, पीछे क्या है माइनस टेन है, यहाँ पे लिख लो प्लस वन माइनस टेन क्या हो जाएगा माइनस टेन, उसके फैक्टर्स निकालो। अभी फैक्टर्स निकालना इजी हो गया होगा आपके लिए, यहाँ पे कौन से फैक्टर्स लेंगे हम, टेन वन ज़ा टू फाइव ज़ा, ये फैक्टर्स ले लिए हमने। अभी यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, तो टू फाइव में से टू गया थ्री आता है, तो जो फर्स्ट वाले फैक्टर्स हमने निकाले कैंसिल, ये आ गया सही। अभी यहाँ पे बीच में जो साइन है वो बड़े नंबर को साइन देनी है और दूसरे नंबर को फिर जो उसके अलावा जो माइनस साइन होती है वो दे देंगे। यहाँ पे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर, जो हमने फैक्टर्स निकाले वो लिखते हैं, माइनस टू एक्स प्लस फाइव एक्स माइनस टेन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अभी यहाँ पे और यहाँ पे कॉमन, यहाँ पे क्या कॉमन है, एक्स, एक्स माइनस टू लिख लिया, यहाँ पे क्या कॉमन आएगा आपका, फाइव आएगा प्लस फाइव एक्स। अब देखो प्लस माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस फाइव कितने इज़ा टेन, फाइव टू ज़ा टेन। अब जो सेम आए वो आप एक बार लिखेंगे, एक्स माइनस टू और जो बच गया वो लिखना है, अभी क्या है यहाँ पे, एक्स प्लस फाइव वो बच गया वो अभी हम लिखेंगे। उसके बाद इक्वल्स टू ज़ीरो करना है, क्योंकि दोनों जो होते हैं मल्टीप्लाई है ना, तो ये वाला भी इज इक्वल्स टू ज़ीरो होगा और वो दूसरा वाला भी इज इक्वल्स टू ज़ीरो होगा, वही हम कर रहे हैं अब तक। एक्स माइनस टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी वहाँ पे प्लस टू और एक्स प्लस फाइव इज इक्वल्स टू ज़ीरो करेंगे सो द एक्स की वैल्यू आएगी माइनस फाइव। तो यहाँ पे हमने हमारे चारों सम कंप्लीट कर लिए। अब मैं आपको ऊपर जाकर ट्रिक बताती हूँ कि आप कैसे याद रखेंगे। देखो जब एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस टेन, मतलब अभी सिर्फ साइंस बता रही हूँ मैं, कि अगर सब में प्लस साइन है तो उसके जो फैक्टर्स आएंगे आपके, फैक्टर्स तो निकालना इजी, दोनों फैक्टर्स आपको प्लस में रखने हैं, दोनों फैक्टर्स किस में रखने हैं, प्लस में। अगर माइनस पहले प्लस बाद में, तो देखो ये जैसा ये वाला है, माइनस पहले और यहाँ पे प्लस बाद में, तो दोनों को जो फैक्टर्स आएंगे दोनों को आपको आएगी माइनस की साइन, दोनों आएगी माइनस की साइन। अगर माइनस माइनस है या प्लस माइनस है, जो लास्ट के दो है ना, तो उसमें जो बीच का नंबर होगा वो साइन बड़े वाले को और फिर दूसरे वाले को उल्टा साइन कर देना है। अभी यहाँ पे बीच में कौन सी साइन है, माइनस की साइन है, तो माइनस की साइन हम किसको देंगे, बिगर को। एक मिनट, म
माइनस की साइन देंगे बिगर को, और फिर जो छोटा होगा उसको हम प्लस साइन दे देंगे। और यहाँ पे सेम कंडीशन, जो बीच की साइन है अगर वो प्लस है तो प्लस की साइन किसको आएगी यहाँ पे, बिगर को। तो इस तरह से आपको ये याद रखना है, टोटल प्लस तो दोनों प्लस में होंगे, माइनस प्लस है तो दोनों माइनस होंगे, अगर माइनस माइनस या प्लस माइनस है तो माइनस बिगर को आएगा या प्लस बिगर को आएगा, जो बीच का मिडिल टर्म होगा। तो ये चार सम आप अच्छे से एक बार देख लीजिए, ये आप नोट कर लीजिए, प्लस माइनस 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 की साइन जो भी है आप इसको फटाफट नोट कर लीजिए। और यहाँ से अभी हम कल इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे, पर ये जो फोर सम्स है आप इसको अच्छे से करके आइए। चलो बाय। साथ में शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जाए और उनको ये जो टॉपिक्स है वो ईजी हो जाए।